गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों ने फिर एक युवक की गोली दागकर हत्या कर दी। पुलिस का मुखबिर होने के संदेह से की गई यह हत्या। मुख्यमंत्री के गढ़चिरौली दौरे के बाद अब तक 3 लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। क्या इरादा है इन नक्सलियों का, आइए जानते हैं इस खबर में। दक्षिण गढ़चिरौली विभाग में नक्सलियों ने फिर एक बार आतंक मचाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़चिरौली दौरे के बाद दूसरे ही दिन 15 नवंबर को भामरागढ़ तहसील के टेम्बुर्डा में दिनेश गावड़े, 23 नवंबर को टिटोला के पुलिस पाटिल लालसू येरदा और कल अहेरी तहसील के राजाराम उप पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले कापेवांचा में रामजी आतराम नामक युवक की हत्या कर दी। तीनों हत्याओं के कारण अब पुलिस विभाग भी सख्ते में आ गया है। रामजी आतराम की हत्या पुलिस का मुखबिर होने के कारण की गई, ऐसा नक्सलियों द्वारा जारी एक पत्रक में कहा गया। कल शाम के समय नक्सलियों ने रामजी आतराम को खेत में ले जाकर गोली दागकर हत्या कर दी। वहीं लालसू येरदा को भी ऐसे ही मौत के घाट उतारा था।